स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से ही आपके अपने YouTube चैनल द ऑनलाइन लाइफ में, जहाँ मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि एज अ जूनियर क्लर्क और ईस्टर्न स्टोरेंट टाइपिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकली, जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसके पास में एक बेल आइकन होता है, उसको दबाकर वहां पर आपको ऑल का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑल ऑप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता देता हूँ। द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस फॉर 149 पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क एंड ईस्टर्न टाइपिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 149 है और यहाँ पर जूनियर क्लर्क और ईस्टर्नो या फिर ईस्टर्नो टाइपिस्ट की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी है 149 वो है जूनियर क्लर्क और ईस्टर्न टाइपिस्ट की। हम यहाँ पर बात करते हैं पहले इम्पोर्टेंट डेट की कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कब लास्ट तारीख है। तो 5/6/2021 मतलब आज से ही फॉर्म ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 2 जुलाई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय आप इसमें आसानी से आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट की बात हो गई, अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिटेल इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट तो मैंने आपको बता ही दी, 5 से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 तारीख इसकी लास्ट है, 2 जुलाई। एप्लीकेशन फ़ीस की हम यहाँ बात कर लें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे फ़ीस दी गई है। अगर आप जनरल ओबीसी या एक्स सर्विसमैन WFF वाले कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पर जो चार्ज लगने वाला है वो है ₹1,000 का आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप SC ST IRDP PPL अंत्योदय EWS कैटेगरी के हैं तो आपका यहाँ पर ₹800 का चार्ज लगेगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर फीमेल के लिए ₹800 का चार्ज रखा गया है। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर, तो कॉल लेटर के लिए यहाँ पर 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन डेट के 7 दिन पहले आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम तो अगस्त महीने में यहाँ पर बता रही है, अगस्त महीने में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो ये पोस्टपोन भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट भी आपको 15 दिन के बाद रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम रहेगी उसके 15 दिन बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं इसका। यहाँ पर जो है वैकेंसी के बारे में बताया गया है, तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टोटल जो वैकेंसी है वो 149 है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई है। ठीक है, तो ये सब आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। आप डिटेल नोटिफिकेशन इसका चेक करें, यहाँ पर मैं मेन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, वैकेंसी की बात हो गई, यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, सैलरी इसमें कितनी मिलेगी, बाकी सारी डिटेल की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है 10+2 से आपका 50% मार्क्स होना चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो आपके पास 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ अगर आप जूनियर क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं तो। उसके साथ ही आपका मेट्रिकुलेशन भी 10+2 पद्धति से होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन मतलब 10th। जूनियर क्लर्क के यहाँ पर PSCS के थ्रू देखें तो यहाँ पर भी 12th ही मांगा गया 50% मार्क्स के साथ में, और यहाँ पर कम से कम 5 साल का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए और 45 साल से आपकी ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। जूनियर क्लर्क के हम यहाँ पर बात करें तो उसमें भी 12th ही यहाँ पर मांगा गया है। स्टेनो टाइपिस्ट के हम बात करें तो यहाँ पर 12th होना चाहिए आपके पास, उसके साथ ही 12th के साथ आपका जो है टाइपिंग स्पीड भी आपकी होना चाहिए, मतलब टाइपिंग डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए, 70 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड हो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस भी दिया है तो सिलेबस आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलेबस नहीं बताऊँगा, यहाँ पर जो मेन है वो मैं आपको बताऊँगा जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी के, जूनियर क्लर्क के लिए यहाँ पर जो टोटल सैलरी है वो है 10,300 से लेकर 34,800 तक की सैलरी, उसके साथ में 3200
का ग्रेड पे अलग से दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो सैलरी बनती है आपकी बनती है 35,863, और यहाँ पर स्टेनो स्टेनो टाइपिस्ट के लिए जो टोटल सैलरी है वो भी 10,300 से लेकर 34,800 तक ही है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि फोटोग्राफ आपका हो गया, सिग्नेचर आपका, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन हो गया, हैंड रिटर्न आपका डिक्लेरेशन यहाँ पर चाहिएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन भी। अब अपलोड करने के लिए या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इस फॉर्म पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहले बेसिक इन्फो आपको देना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद डिटेल देना है आपको थर्ड में, फोर्थ में आपको प्रीव्यू कर लेना है, फिर सिक्स में आपको अपलोड करना है अपनी मार्कशीट वगैरह, और फिर आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में आपको बेसिक इन्फो देना है, और बेसिक इन्फो में आपको क्या क्या यहाँ पर फिलअप करना है, क्या क्या आपको पूरी अपनी जानकारी देनी है, वो मैं आपको बताने वाला। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले अगर पसंद आ रहा है तो। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिक इन्फो है उसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, उसके बाद कंफर्म फर्स्ट नेम आपको यहाँ पर कर देना है, उसके बाद मिडिल नेम अगर आप लिखते हैं तो मिडिल नेम आपको डालना है, कंफर्म मिडिल नेम आपको करना है, फिर यहाँ पे उसके बाद लास्ट नेम आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका लास्ट नेम है, जो भी सरनेम आप लगाते हैं वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे फुल नेम आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डालना है, एक बार फिर से आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी आपको कहाँ तक डालना है मैं आपको बता दूँ। उसके बाद एट द रेट के बाद जो भी आपका डोमेन है, जैसे yahoo.com है या gmail.com है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पूरी अपनी ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है डाल देना है, और 7x पर क्लिक कर देना है। जैसे 7x पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपके पास मैसेज द्वारा आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है या फिर आप यहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, इसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके रख लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है ताकि आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। तो यहाँ पर फोटो मैं अपलोड कर देता हूँ, फोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिग्नेचर अपलोड भी यहाँ पर मैं कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप थर्ड स्टेप पर पहुँच जाएंगे। थर्ड स्टेप में फिर आपको दो स्टेप मिलेगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में दो स्टेप है, एक तो बेसिक है और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे तो बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर डालना है, जैसे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जिस भी पोस्ट के लिए आपको जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किस पोस्ट के लिए सही रहेंगे वो पोस्ट आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी चूज़ कर लेना, जो भी आपकी कैटेगरी SC ST OBC जनरल या फिर EWS। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब आपको पढ़ पढ़ कर उनका यस और नो में चेक लगाते जाना है, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट के यहाँ पर हर एक कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, किसी का यस भी हो सकता है या किसी का नो भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, उसके बाद ही यस नो का आंसर करना है। उसके बाद यहाँ पर 6 आपको जो है सेंटर चूज़ कर लेना है, तो 6 सेंटर आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। 6 सेंटर में से मिनिमम 3 सेंटर हिमाचल प्रदेश स्टेट के ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो 3 सेंटर मिनिमम हिमाचल प्रदेश स्टेट के होना चाहिए, बाकी 3 सेंटर आप किसी भी स्टेट से चूज़ कर सकते हैं जो भी लिस्ट में नाम है। उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, एड्रेस वगैरह, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपको सारी यहाँ पर पढ़ पढ़ के उसका आंसर देते जाना है, एड्रेस, करस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब यहाँ पर डालते रहना है। तो इस तरह से आपको ये सब कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 7x कर देना है। जैसे 7x करेंगे तो आपकी जो थर्ड स्टेप की फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी बेसिक। उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का यहाँ पे आता है, क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर डाल देना है। और क्वालिफिकेशन डालने के बाद यहाँ पे जैसे मैं 10th 12th की आपको डिटेल डालना है, ग्रेजुएशन की डिटेल डालना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस डालना है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और एक्सपीरियंस डालने के बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज डाल देना है, जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिस भी लैंग्वेज में आप पारंगत है वो लैंग्वेज यहाँ पर रीड राइट और इस पर कर देना, वैलिडेट योर डिटेल पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आप देख ले, चेक कर ले, उसमें अगर कोई मिस्टेक ना हो तो आप आगे बढ़ जाए। फिर अपलोड करना है आपको मार्कशीट वगैरह, फिर पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगआउट कर लेना है अपना प्रिंटआउट निकालने के बाद। इस तरह से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक।